अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिखाऊंगी डिफरेंट समोसा बनाने की शेप्स, कि किन किन मेथड से हम डिफरेंट किस्म की शेप्स क्रिएट कर सकते हैं और अपने प्लेटर को डेकोरेट कर सकते हैं। और ये रमज़ान स्पेशल डिश है, रमज़ान में तो अक्सर समोसे बनाए जाते हैं। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। और ये देखें, ये तवा है, इसको देख के आप हैरान ना हो। ये मैं आपको एक टिप देने वाली हूँ बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, कि अगर आप समोसा पट्टी को थोड़ा सा सेक लें, जो आप ट्रेडिशनल हमारे जो तिकोन टाइप के समोसे बनते हैं उसके लिए, तो आपका समोसा बहुत अच्छा बनेगा। और सेकेंडली जो है वो इसको ज़्यादा कुक नहीं करना पड़ेगा, कि बहुत जल्दी क्रिस्पी हो जाएगा जब ये आप इसको फ्राई करेंगे। तो इसलिए मैंने ये एक पट्टी सेंक ली थी ताकि मैं आपको डिफरेंस दिखा सकूं कि विदाउट इसके मतलब जो बनता है और इसमें बहुत डिफरेंस होता है, जो कच्ची पट्टी होती है और जो थोड़ी सी कुक्ड पट्टी होती है उसका। और ये मैंने एक बना लिया है मिक्सचर सा, इसका मैदे का और पानी का मिक्स करके मैं इसको इसी से जोड़ूंगी। और वो जो कुक्ड पट्टी थी, मैंने उसके टू जो है वो काट लिए हैं राउंड शेप्स। और इसका मैं आपको एक मशरूम शेप बनानी सिखाऊंगी। इस तरीके से आप ये देखें, इसकी एजेस को फोल्ड कर सकते हैं और एक रोप्स की तरह का डिज़ाइन बन जाएगा। अगर आप इसको फोल्ड करें तो ये रोप बन जाएगी। एक पिंच करें और साथ उसको फोल्ड कर दें। लेकिन मैंने जस्ट इसको थोड़ा सा हल्का सा बस किया है। और ये देखिए, मैंने मशरूम शेप बनाई है इससे। और ये एक और राउंड मैंने कट किया है। ये वाली जो पट्टी है, इसका ये फ़ायदा होता है कि अगर आप रमज़ान में, जैसे अफ्तारी में हम पहले बना के रख लेते हैं समोसे, तो वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं। तो ये वाली पट्टी यूज़ करने से समोसे जल्दी भी फ्राई होंगे और वो सॉफ्ट भी नहीं होंगे। और ये देखें, ये एक शेप है, इसको जोड़िएगा प्रॉपरली क्योंकि ये ओपन हो जाएगी। इसलिए इसको जो है ना, आपने बंद सही तरीके से करना है इसको। और ये देखें, ये एक और शेप मैंने ऐसे बनाई है। और अगर आप सेम शेप की एक प्लेटर बना लें तो बहुत अच्छी लगेगी, जैसे कि अब ये वाली मैं बनाने लगी। ये इतना ही सिंपल है। ये देखें, ये मैं बना रही हूँ इससे शेप, और इसको आप जोड़िएगा प्रॉपरली, सील सही कीजिएगा क्योंकि इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा फ्राइंग के दौरान। और ये अब मैं आपको एक और मेथड बताऊंगी इसका। इसमें से कुछ जो मैंने शेप्स क्रिएट की थी वो मैंने उसको मैंने बेक किया था, लेकिन आप चाहें तो आप उसको फ्राई भी कर सकते हैं। ये आप वीडियो को पूरा देखिएगा और आगे चल के आपको काफ़ी चीज़ें पता चलेंगी। और जो पट्टी है उसको नहायत बारीक बेलना है, क्योंकि जब हम इस पे लेयरिंग करेंगे, डिज़ाइनिंग करेंगे, तो बहुत सारी लेयर्स आ जाएंगी, जिसकी वजह से जो अंदर वाली लेयर होगी वो कच्ची रह सकती है फ्राइंग के दौरान। तो इसलिए आप इसको जो है वो प्रॉपरली इसको करें, बेलें। तो इसकी एक राउंड शेप कट की है। और इसकी मैंने सेंटर में डाल दी है थोड़ा सा आलू का पेस्ट। और इस तरीके से मैं इसको, अब इसके जो लास्ट कॉर्नर्स हैं उनको आपस में ज्वाइन कर दूंगी। ये देखें, बैक साइड से कितनी अच्छी शेप बनी है। इस तरह की भी आप एक प्लेटर बना के रख लें तो ये बहुत डिफरेंट और यूनिक लगेगा। और ये देखें,
ये वाली जो पट्टी है इसको मैंने स्क्वायर कट कर लिया हुआ है। और ये मैं बिल्कुल अंदाजे से कर रही हूँ, आप भी अंदाजे से कर लीजिएगा। इसको मैं कार्ड शेप देके इसके कॉर्नर्स को ज्वाइन करूँगी और इसके ऊपर मैं बनाऊँगी चटाई की शेप। और इसकी मैं स्ट्रिप्स कट कर लूँगी। और इसकी मैं कर लूँगी स्ट्रिप्स कट, ये देखें। और इस तरीके से इसको ज्वाइन करना ज़रूरी है। ये देखें, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी तो होनी चाहिए, इससे पॉजिटिविटी बढ़ती है आपकी ज़िंदगी में। इसलिए आपको चीज़ों को क्रिएट करना चाहिए, अपने आप को बिज़ी रखना चाहिए, बिकॉज़ एम्प्टी माइंड इज़ डेवल्स वर्कशॉप। ये तो आपने कहावत सुनी ही होगी कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इसलिए ख़ुद को बिज़ी रखने की कोशिश करनी चाहिए और कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी होनी चाहिए लाइफ में। ये देखें, इस तरीके से हम इसको कर देंगे। जहाँ पे आपको लगे स्ट्रिप शॉर्ट है तो आप उसको ना थोड़ा खींच के लंबा कर दें। और मैं ये फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ इसलिए मैं थोड़ा सोच के कर रही थी। ये देखें, ये कितनी अच्छी सी शेप क्रिएट हो गई है। और ये एक और यूनिक सी शेप आप देखें। इस तरह की चीज़ें ना सिर्फ आप रमज़ान में बल्कि आप बच्चों को अपने लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बहुत यूनिक लगती हैं, अच्छी लगती हैं। ये देखें, ये सिलेंड्रिकल शेप में मैंने इसको यहाँ पे डाला है, इसके ऊपर ये बैटर आलू का। इसकी रेसिपी मैं अपनी पिछली वीडियो में दे चुकी हूँ और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप जाके लाजमी वॉच कीजिएगा कि इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे मैंने ऐड किए हैं कि जिसकी वजह से ये काफ़ी स्टिकी है। तो अगर आप इसको फ्राई भी करेंगे तो ये बाहर लीक आउट नहीं होगा इससे। ये देखिए, मैं इसकी डोनट की शेप बना रही हूँ। और ये देखें, इसको हम रोल कर लेंगे इस तरीके से। और ये देखिए, मैंने डिफरेंट स्टाइल का थोड़ा प्लेटर बनाया है। डिफरेंट डिफरेंट इसमें हैं चीज़ें, हैं डिज़ाइंस हैं। ये मैं क्रिएट कर रही हूँ एक फ्लावर की शेप। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुझे अंदाज़ा नहीं है, तो इसलिए मैं साइड बाय साइड इनको थोड़ा सा करके अंदाजे से कर रही हूँ। जहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा लग रहा है मैं उसको रिमूव कर देती हूँ। जैसे कि अब इस शेप में मैं जो ऊपर से इसकी पेटल्स मैंने बनाई है, मैं उसे एक्स्ट्रा को रिमूव कर दूँगी। इसको मैं करूँगी कट, इसकी एजेस को। बिलीव यू मी, इट वॉज़ वेरी सूदिंग के यू आर प्लेइंग विद द डो जस्ट लाइक किड्स। लेकिन ये थोड़ा बड़े लेवल पे काम चला जाता है और जो बच्चे होते हैं वो ज़रा छोटे लेवल पे एक डो से चीज़ें क्रिएट करते हैं।
तो ये बहुत ज़्यादा सूदिंग एक्सपीरियंस होता है। और ये देखें, ये मैंने इसकी शेप क्रिएट कर ली है जो मैं सोच रही थी। ये देखें, इस तरह से मैंने इसको क्रिएट, इसको चाहे तो आप बहुत अच्छे से फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको भी बेक किया है। आप एंड पे रिजल्ट देखना। और इसको मैं करूंगी रोल। और इसको रोल करने के बाद मैं इसके सेंटर में कट लगाऊंगी। आप चाहे इसको हार्ट शेप दे दें या चाहे आप इसको राउंड शेप दे दें, ये अब आप पे डिपेंड करता है, आपकी मर्जी है। ये देखें, इस तरह से आप इसकी हार्ट शेप भी बना सकते हैं, और आप चाहे तो आप इसको राउंड कर दें ऑपोजिट पे ला के। इस तरीके से, और ये फ्राई भी हो जाएगा बहुत आराम से, क्योंकि मैंने इसके जो इसका बैटर है उसमें मैंने ऐड किया था थोड़ा सा मैदा। ये देखें, ये एक शेप बन गई है। इस तरीके से आप देखें डिफरेंट किस्म की शेप्स बना सकते हैं। ये देखें, अब इसको मैंने राउंड बेल लिया है, और इसको मैं थोड़ा सा स्प्रेड कर दूंगी। इसको देखिए, मैंने कर लिया स्प्रेड, और इसके मैं सेंटर में लगा दूंगी कर्ट्स। और ये हम इसको राउंड कर लेंगे। ये मैं क्रॉस बना लूंगी, और इसके सेंटर में हम रखेंगे बैटर। और ये एक डिफरेंट स्टाइल से मैं आपको बताऊंगी किस तरह से चटाई की शेप बनाते हैं। काम काफ़ी मेसी है, लेकिन यू नो के परफेक्शन, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। परफेक्शन तो आपकी प्रैक्टिस से ही आती है। अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपका हाथ भी उतना ही साफ हो जाएगा, आपको ज़्यादा थिंकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक दो दफ़ा की प्रैक्टिस से बड़े आप आराम से ये बना सकते हैं, और बहुत जल्दी बना सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए इसको ट्राई करती हूँ। और काफ़ी मेहनत का भी काम लगा मुझे ये। और अब जो है मैं इसको, इसकी स्ट्रिप्स कट कर लूँगी इक्वली।
ये देखें, इस तरीके से हम इसको कट कर लेंगे, इसको नाप लें। अब मैं इसमें जो एक स्ट्रिप छोड़ के एक स्ट्रिप को उठाऊंगी और ये बहुत प्यारा सा डिजाइन बन जाएगा। कि देखें कि थोड़ा सा इस पे थोड़ी सी थिंकिंग करनी पड़ी है मुझे, लेकिन ये देखिएगा कितना अच्छा डिजाइन बन जाएगा। ये देखें इस तरीके से। ये हम इससे बैकवर्ड लेके जाएंगे इस तरीके से, यूं करके। और इस तरह से वन बाय वन, जिस तरह से हम कोई चारपाई बनाते हैं या कोई चटाई बनाते हैं, इस तरीके से हमने इसको बना लेना है, तो इसकी शेप आ जाएगी। इसको अब हम पैक करेंगे। देख लें इसका, एक एक स्ट्रिप उठाती जानी है और जो बीच में से 30 स्ट्रिप्स होंगी उनको बैक करना है। फिर अब इनको इसके ऊपर नेक्स्ट स्टिप रखेंगे और फिर अब इनको इनको बैक करके इसके नीचे एक और स्ट्रिप रख देंगे। इस तरीके से ये डिज़ाइन क्रिएट हो जाएगा। ये देखें, ये हम इसको बैक करेंगे और ये देखें, हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका हुआ है। अब इसको फाइनल लुक आप देख लें। ये देखें, ये बिल्कुल परफेक्ट बन गया। और ये मैंने थोड़ा सा अपने तरीके से बनाया था, चटाई की ही शेप बनाई है, लेकिन मैंने अपने तरीके से, अपने जहन से सोच के कि इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं। इनमें से कुछ जो हैं वो मैंने बेक किए हैं और कुछ मैंने फ्राई किए हैं, और वो आप इसको एंड पे जाके देख लीजिएगा कि फ्राइंग वाले किस तरह से शेप आई है, और जो जो बेक वाले हैं वो भी बिल्कुल परफेक्ट बेक हुए थे। लेकिन हम जस्ट उसके ऊपर रखेंगे, लगाएंगे थोड़ा सा दूध ठंडा ताकि उस पर ऊपर उसके कलर आ जाए। और इसके अलावा जब वो बेक हो जाएंगे तो हम उन पर ऑयल ब्रश ज़रूर करेंगे, क्योंकि ऑयल ब्रश के बगैर तो ये हार्ड हो जाता है। तो जब आप ब्रेड बेक करें या कोई भी चीज़, उस पर ऑयल ब्रश ज़रूर करें। ये देखें, ये इस तरीके से भी चटाई की शेप बन जाती है बिल्कुल परफेक्ट। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं जिसमें आपको आसानी हो, लेकिन अगर प्रॉपर मेथड फॉलो करेंगे तो ज़रा आसानी हो जाएगी। जैसे कि आपको मैंने पिछले क्लिप में दिखाया है, वो मेथड ज़्यादा अच्छा था क्योंकि उसमें प्रॉपरली मैंने स्टेप्स को फॉलो करके बनाया है, तो मुझे आसानी हुई काफ़ी। ये देखें, ये भी बन ही गई है शेप की। देखें सही है, ये बिल्कुल ठीक शेप बनी है। आप इस तरीके से भी इसको बना सकते हैं।
ये देखें, ये भी बन गई है। और ये मैंने एक और जो है ना रोटी उसको बना के उसकी सेक ली थी, और इससे मैं आपको ट्रेडिशनल जो हमारे समोसा बनाते हैं उसकी शेप बनानी सिखाऊंगी। अगर आप पहले इसकी शेप क्रिएट करके इसमें फिलिंग करें तो ज़्यादा आसानी होती है, और उसको जॉइन प्रॉपर करना होता है इस पट्टी को, तो ये पानी से जॉइन नहीं होती। इसके लिए आपको मैदा और पानी का मिक्सचर ही बनाना पड़ेगा, उसके साथ ही ये बिल्कुल सही जॉइन हो जाएगी। और ये समोसा तलना और इसको बनाना इतना ही ईजी और बहुत जल्दी बन जाता है, क्योंकि पट्टी पहले से थोड़ी सी कुक होती है, और बाद में जो समोसे होते हैं वो नमी वाले भी नहीं होते, सॉफ्ट भी नहीं होते, इसी तरह से क्रिस्पी रहते हैं, जिस तरह से आप बनाते हैं इसी तरह से रहते हैं। ये देखिए, अब इसको मैं ज्वाइन कर लूँगी इसको प्रॉपरली। ये वाली शेप बनानी भी ज़रूरी थी क्योंकि बाकी शेप्स हमने बनाई है, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक ये वाली जो इसकी ओरिजिनल शेप है वो भी बना दी जाए। ये लें जी। और ये मैं बनाऊंगी इसकी एक, जैसे हम बनाते हैं ना चिकन ब्रेड, ये उसी तरह की शेप है, लेकिन ये थोड़ी सी यूनिक है उससे। और ये मैंने अब इसके साइड्स पे कट लगा ली हैं, और इससे हम बनाएंगे क्रॉस इसके ऊपर। इस तरीके से सबसे पहले आप इसको थोड़ा सा ऊपर से इस पे पानी या इस पे लगा लें, इसको ब्रश कर लें ताकि ये अच्छे से इसके साथ स्टिक हो जाए। ये देखें, इस तरीके से ज्वाइन हो गया है। और इस तरीके से आप भी बना सकते हैं, और जब भी आप बनाएं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना है, और पिक्चर्स भी शेयर कर सकते हैं अपनी जो आप कुकिंग के लिए चीज़ें बनाते हैं उसके लिए, और सजेशंस भी दे सकते हैं। ये देखें किस तरह की शेप बनी है, इसको आप चाहे तो फ्राई कर लें और चाहे तो बेक कर लें। ये इस तरीके से बना है कि मेरे पास बैटर ज़्यादा सा बच गया था, तो मैंने एक ही बड़ा सा बना दिया है इसका, और ये अब मैं करूँगी बेक। और कुछ मैंने फ्राई किए हैं उनकी मैं आपको फाइनल लुक दिखा देती हूँ। और इस पे हम करेंगे मिल्क ब्रश, तो इससे कलर आ जाएगा। और ये चले जाएंगे पतीले में जिसको मैंने प्री हीट किया हुआ है 10 मिनट्स के लिए पहले ही, और इसको मैंने 30 मिनट्स के लिए बेक किया था। और ये देखें ये मैंने फ्राई किए हैं, ये इनकी आप फाइनल लुक चेक करें कि कितने क्रिस्पी और कितने अच्छे बने हैं। ये देखें, ये देखें, इतहाई अच्छे, इतहाई क्रिस्पी, इतहाई मज़ेदार हैं, और बिल्कुल परफेक्टली बेक हुए हैं, फ्राई हुए हैं। और ये बेक वाले हैं, इन पे मैं करूँगी ऑयल ब्रश।
और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमें लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई सजेशन है तो वो भी हमें ज़रूर दें। यू आर मोस्ट वेलकम एंड कीप वॉचिंग किचन गैजेट इस्लामाबाद टीवी, और हमारे वीलॉग्स भी विज़िट कीजिएगा लाजमी। और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।